ये हमारे राज कुमार जी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं और भाई साहब ने हमारे चीफ स्पोक्समैन नेशनल भाई साहब ने हमारे नेशनल चेयर हैं ऐसे बुजुर्ग वर्कर मेहनती वर्कर देखिए बारामूला में आज ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि NYPA और उसके तमाम लीडरान जो JNK के बाहर से भी हम लोग नेशनल टीम आई हुई है वो कहीं जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने जो अभी मिशन लिया है जम्मू कश्मीर के मसाइल से वो ये है कि कश्मीर भी मेरा और कश्मीर भी मेरे, हम ये जज्बात जगाना चाहते हैं। अब ये बेरुखी जो है इसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि केवल ये कह देने से कि लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक ये देश एक है, हम सब भाई भाई हैं, इसको किसी को तो पहल करनी ही थी। तो नेशनल यूथ पार्टी पूरे देश के युवाओं को एक साथ लाना चाहती है और हम JNK के अंदर आगामी इलेक्शन के अंदर पुरजोर तरीके से और बहुत बड़े वोट कैडर के साथ में युवाओं की लोकल एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के अंदर करना चाहते हैं। तमाम 90 की 90 सीटों पर नेशनल यूथ पार्टी कैंडिडेट लड़ाने जा रही है और अब तस्वीर बदलनी होगी। इसी जज्बे के साथ नेशनल यूथ पार्टी ने आज यहाँ से बारामूला से आगाज़ किया है। देखिए बेरोजगार नौजवानों के लिए जो पार्टी कर सकती है उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ का लोकल यूथ है, ये खुद जब नुमाइंदा बन करके आपका असेंबली में बैठेगा तो उसको हर छोटी से छोटी चीज़ पता है। उसके यहाँ पर ज़्यादा लोग जो बेरोजगार हैं उसमें एजुकेटेड कितने हैं, हाईली एजुकेटेड कितने हैं, तो अगर कोई हैंडीकैप है तो वो कितने हैं, अगर वीमेन है तो उनकी क्या अभी सिचुएशन है, उसकी अकॉर्डिंग तमाम तरीके की जो भी रोजगार की समस्या है वो खुद यहाँ का यूथ उसको सॉल्व करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस सबसे बड़े सेक्टर पे हम काम करना चाहते हैं वो दो हैं, मेडिकल एजुकेशन और टूरिज़्म। हम जो है इसको टूरिज़्म का इंटरनेशनल हब बनाना चाहते हैं ताकि 8 लाख से ज़्यादा अकेले टूरिज्म के अंदर रोजगार पैदा करने का टारगेट नेशनल यूथ पार्टी अपने मैनिफेस्ट के अंदर लॉन्च करने जा रही है टैगोर हॉल से 9 तारीख को। जी 90 की 90 सीटों पर नेशनल यूथ पार्टी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल की अगुवाई के अंदर ये इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है और इंशाल्लाह पूरी फोर्स के साथ युवाओं की सरकार बनने जा रही है। नेशनल यूथ पार्टी की सरकार आएगी और अब ये तस्वीर ज़रूर बदलेगी जम्मू कश्मीर की इंशाल्लाह। डेफिनेटली देखिए ये एक बहुत ही जो है नीच हरकत है और इसकी पुरजोर मजम्मत की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसको मैं टारगेट किलिंग नहीं, मैं इसको पॉलिटिकल किलिंग कहूँगा। अपने सियासी बेनिफिट्स के लिए तमाम मजलूमों को इस तरीके से जो गोलीबारी करके मारा जा रहा है ये पूरी तरीके से सरासर गलत है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अब कम से कम पार्टियों को इस चीज़ के लिए बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि हम उनको यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर का युवा, यहाँ की तमाम आवाम जग चुकी है। अब